हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका रीट मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेवल वन और लेवल टू का। 1 मार्च को इसका अंतिम पेपर था और आपने अपना विश्लेषण भी कर लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपके कितने अंक बन रहे हैं। कई विद्यार्थियों के लिए ये एग्जाम अच्छा रहा, कुछ विद्यार्थियों के लिए ये एग्जाम बेहतर रहा और अधिक विद्यार्थी वो थे जो इस एग्जाम में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा उन्होंने सोचा था। क्योंकि जो पेपर का लेवल है, कईयों का कहना है कि पेपर तो बहुत आसान था। ये वो लोग हैं जो पेपर देने नहीं गए थे, उनके लिए पेपर आसान था, लेकिन जिन्होंने इस पेपर को दिया है उनसे पूछिए कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, सिर्फ राजस्थान जीके के पोर्शन को देखकर ये कह देना कि पेपर आसान था तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जीके के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनको पढ़ना जरूरी था। लेकिन आप सभी ने हो सकता है कि राजस्थान जीके पर ही विशेष ध्यान दिया होगा, क्योंकि राजस्थान जीके कुल मिलाकर 180 अंक का था। बाकी 120 अंक का जो था उस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया और कुछ टॉपिक ऐसे थे, कुछ क्या अधिक टॉपिक ऐसे थे जिनसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया। हालांकि उनसे प्रश्न हमेशा आते हैं, लेकिन इस बार नहीं पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों, पेपर तो जैसा होना था वैसा हो गया है। अब आने वाला जो समय है उसमें भी बहुत सारी भर्तियां हैं, आप लोगों को अब उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो बीत चुका है उसमें तो आप लोग इधर उधर पैर मारोगे तो भी बदलाव नहीं होगा। जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन आने वाले समय में आप लोग जो कमियां हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज, हो सके तो आप लोग YouTube से दूरी बनाकर ही पढ़ें। YouTube पर ज़्यादा इधर हाथ पैर मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको YouTube पर बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी, ठीक है, जो आपके जीवन में कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती। आपने देखा होगा बहुत से लोग एग्जाम से 2 दिन पहले अपनी 7200, 7300, 7500, 1000, 2000 प्रश्नों की बुकें लॉन्च करते हैं। उनको समझना चाहिए कि जिस विद्यार्थी ने पिछले 6 महीने से तैयारी की है, क्या एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मुझे ये बुक के लिए उन्हें कहना चाहिए कि तुम इससे इस बुक को खरीदो, इसी बुक से प्रश्न आएंगे। कुछ ऐसे भी YouTube पर लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरे पढ़ाए हुए में से सभी आया है, वो सबूत भेजते हैं टेलीग्राम पर, जो उनका चैनल है उस पर वो बहुत सारी फोटो खींच खींच कर भेजते हैं। ये देखो मैंने ये पढ़ाया, ये प्रश्न आया, मीरा बाई का जन्म किस गांव में हुआ था, ये प्रश्न आपको प्रत्येक किताब में मिलेगा, लेकिन फिर भी वो ये सब प्रश्न भेजते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये प्रश्न भी वो आपको भेजेंगे। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, ये प्रश्न भी वो लोग टेलीग्राम पर भेज रहे हैं। देखो मैंने पढ़ाया, ये आया उसी में से आया है। तो उनको समझना चाहिए कि ये सब बेसिक प्रश्न है, बेसिक है। राजस्थान की कोई भी किताब खरीद लो, ठीक है, आपको प्रत्येक किताब में 80-90% मैटर मिलता ही है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए, इनको सिर्फ अपना धंधा चलाना है, व्यापार करना है, जितना हो सके इनकी किताबें मार्केट में बिकनी चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी YouTube पर लोग पढ़ाते हैं वो 1 साल तक पढ़ाते हैं, 1 साल के बाद अगर उनका चैनल अच्छा खासा ग्रोथ करता है, उसके ऊपर अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूज आते हैं, तो वो लोग मार्केट में अपनी एक बुक लॉन्च करते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो फिर एक अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च करते हैं। एप्लीकेशन पर आपको तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं, कोई 1 रुपये से शुरू करता है तो कोई 50 रुपये से शुरू करता है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग विद्यार्थी हित में ये सब कर रहे हैं ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि मैं 1 रुपये का ऑफर इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि विद्यार्थी 1 रुपये के लालच में आए और मेरी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें। वो मार्केट में जो किताबें लॉन्च करते हैं आपको कहेंगे कि सारा पेपर इसी से छपेगा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। राजस्थान अध्ययन की ये जो 5 क्लास की किताबें हैं इसके ऊपर आपको हजारों मार्केट में किताबें मिल जाएगी, सभी ने यहाँ से कॉपी किया मैटर उस उधर लगाया, ये देखो ये किताबें आ चुकी हैं राजस्थान अध्ययन, सारा मैटर इसे पढ़ लो, इसी में से आएगा। अगर दोस्तों आप 6ठी क्लास की किताब पढ़ते हो ना तो उसके अंदर टोटल 71 पेज है, ठीक है, आप खुद भी उसे आराम से पढ़ सकते हो। बाजार में 30 रुपये की किताब मिलती है 6ठी क्लास की, ठीक है, लाकर पढ़ सकते हो।
ठीक है, इसीलिए इन लोगों से दूर रहो। ये लोग आपका कभी भी सिलेक्शन कराने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते, मेहनत आपको ही करनी होगी। जिंदगी में एक बार जरूर किसी भी कोचिंग में जाकर कोचिंग जरूर कीजिए, जो जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन बार बार इधर उधर पैर मारने से, विचलित होने से आप लोग सोचते यार सारा मैटर इसी किताब से आएगा, तो ऐसा नहीं होता। जो लोग आज यूट्यूब पर कह रहे हैं कि सारा मैटर मेरे ही पढ़ाए हुए में से आया है, मेरी ही किताब में से आया है, तो उन लोगों से पूछना चाहिए, अगर सब कुछ तुम्हारे ही पढ़ाए हुए में से आया है, फिर भी बच्चों के 80 और 90 क्वेश्चन ही सही क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं उनके 120 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं? ये इस चीज़ का जवाब देना चाहिए उनको। क्यों 60% वो बच्चे हैं जिनके 80-90 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब आज जो शिक्षा है वो एक बिजनेस है, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि मेरी पहुंच हर विद्यार्थी तक जाए, ठीक है, और मैं अच्छे खासे रुपए कमा सकूं, ठीक है। भले ही वो लोग आपको कहे ना, लेकिन पैसा कमाना हर एक यूट्यूबर का, जितने भी पढ़ा रहे हैं सबका मकसद है। वो लोग आपको इमोशनल करेंगे, आपके सामने आएगा कोई, आपके सामने रोएगा कोई, आपके सामने अपनी दुख गाथा गाएगा, ताकि विद्यार्थियों को लगे कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरा किसी भी टीचर के ऊपर, शिक्षक के ऊपर कोई टारगेट नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति को कोई टारगेट कहकर नहीं कह रहा, लेकिन उन सभी से अनुरोध है, अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कीजिए। ये सबूत देने की जरूरत नहीं, ना करें कि मेरी बुक से ही सब कुछ आए, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का दिमाग खराब हो जाता है। वो लोग सही से सोच नहीं पाते कि मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में आज हजारों करोड़ों बुक हैं, ठीक है। हर एक जो पढ़ाने लग जाता है ना बंदा, वो भी अपनी बुक उतार देता है। तो आने वाली जो भर्तियां हैं उनकी अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।